इन दिनों जिला अस्पताल के गेट पर दो कर्मचारी स्वच्छता सर्वेक्षण नगर पालिका का बोर्ड लगाकर बैठे हैं, जो हर आने वाले शख्स को रोककर उसका मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं। मोबाइल नंबर बताने के बाद वो उसे अपना मोबाइल में डालकर फिर उस शख्स से ओटीपी पूछकर स्वच्छता सर्वेक्षण की खाना पूर्ति कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि नंबर बताने वाले को ये पता नहीं रहता कि उसके नंबर का दुरुपयोग कहां और कैसे किया जा रहा है। एक तरफ शहर के रिहायशी इलाकों में कचरे के ढेर लगे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वच्छता सर्वेक्षण में इस तरह का फर्जीवाड़ा कर अपने नंबर बढ़ाने की कवायद नपा सीएमओ कर रहे हैं। जिला अस्पताल की गेट पर तैनात कर्मचारी जब अस्पताल आने वाले शख्स से उसका मोबाइल नंबर पूछते हैं तो शख्स को लगता है कि शायद नंबर बताने के बाद ही अस्पताल में इलाज मिलेगा, तो वो बिना देर किए नंबर बता रहा है तो फिर उसके मोबाइल में कुछ ही देर पर ओटीपी आता है, जिसे कर्मचारी पूछकर खानापूर्ति कर रहे हैं। जबकि उसे सर्वेक्षण में दिए जाने वाले मोबाइल नंबर पर शख्स से स्वच्छता में को लेकर अपनी राय बतानी होती है, लेकिन यहाँ तो फर्जी वाड़ा किया जा रहा है। मोबाइल नंबर वाले को कुछ पता नहीं रहता, उसकी तरफ से बेहतर स्वच्छता की टिप लगाकर नगर पालिका अपने नंबर बढ़ा रही है। हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 चल रहा है अभी, और नगर पालिका उसकी तैयारी में है ताकि हम शहर को बेहतर से बेहतर रैंक प्राप्त कर सकें। प्रत्येक वार्डों में चल रहा है या पूरे शहर में प्रत्येक वार्ड में? अभी देखने को मिला है जिला अस्पताल के गेट पर बाहर लोगों से बोला जा रहा है एंट्री के नाम पर जो सर्वेक्षण किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कुछ हो? स्वच्छता सर्वेक्षण का एक भाग होता है सिटीजन फीडबैक, ठीक है, तो जो लोग हैं अपने नागरिक हैं शहर के वासी हैं उनसे फीड लिया जाता है कि उनको स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में वो क्या जानते हैं और उनका रिस्पॉन्स कैसा है। ऐसा तो उनसे किसी से पूछा नहीं जा रहा, सिर्फ ओटीपी लेके तो सबमिट किया जा रहा है। नहीं, ओटीपी आप भी एक समझदार नागरिक हैं और अनावश्यक ओटीपी किसी को नहीं देना चाहिए बिना जाने हुए। वहाँ पे सर ऐसी वीडियो भी हमारे पास, ओटीपी जब तक देने वाला नहीं देगा कोई छीन नहीं सकता है ओटीपी, तो अपने को सोच समझ के ही ओटीपी देना है, चाहे वो स्वच्छता सर्वेक्षण का हो, चाहे बैंक का हो या किसी अन्य चीज़ का हो।